यहाँ मंदिर के ठीक पीछे गणपति का टेंपल है, ये बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया ये। और ये देखिए आगे शिव जी की पूजा होते हुए दिखा रहे हैं कि शिवलिंग है और एलिफेंट उनकी पूजा कर रहा है, फिर इधर हनुमान जी पूजा कर रहे हैं और उधर एक क्रैब पूजा कर रहा है। तो ये देखिए बहुत सुंदर। और इधर पिलर्स का जो मतलब पूरे जगह पिलर्स है ना, तो एक बहुत अच्छा लुक आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये हम आ गए एक बड़े से शिवलिंग पे जिसको 7 मुंह वाले नाग ने पूरे अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है, मतलब पूरा ढका हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। मैं पास से आपको दर्शन कराती हूँ, ये देखिए बहुत ही प्यारा। जय हो हर हर महादेव। ये देखिए ये दो पिलर्स ऊपर जॉइंट हो गए, क्योंकि ये कभी अर्थक्वेक आया होगा, कभी सॉइल इरोजन कुछ भी हुआ होगा, तो ये थोड़ी अपनी जगह से हिले और ऊपर से जॉइन हो गए। ऐसी थोड़े बहुत और भी अगर आप देखेंगे तो टेढ़े हो गए हैं, क्योंकि टाइम हवा सभी कुछ है, मगर देख के मज़ा आ गया। ये देखिए राम लक्ष्मण सीता, कितनी प्यारी मूर्त है और इतनी प्यारी कार्विंग हुई है इस पूरे पिलर पे, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मगर क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, और इसके चारों तरफ बाउंड्री भी ऐसे बनाई गई है, तो यानी कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट है, क्या है नहीं पता। ये लोग यहाँ पर बहुत हैं, बहुत, और लोग खा पी रहे हैं ना तो वो फेंकते हैं, तो ये लोग आ जाते हैं और इनके बगल में आके बैठ गया, ये शूज पहन रहे हैं। ये हम अब आ गए हैं इंडिया के सबसे बड़े नंदी के दर्शन करने, और ये सिंगल ग्रेनाइट से बने हुए हैं, मतलब कहीं भी कुछ भी जोड़ नहीं है, जो इसमें कार्विंग करी गई है वो शानदार है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितने बड़े हैं और सिंगल ग्रेनाइट से बने हुए हैं, बहुत बढ़िया। मैं इनकी थोड़ी सी परिक्रमा करा देती हूँ तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये देखिए बहुत बड़े, जय हो नंदी महाराज की जय। और इस नंदी के आसपास काफ़ी ग्रीनरी है, और अभी चलते हैं थोड़ा वो देखते हैं, काफ़ी इन्होंने ग्रीनरी इधर मेंटेन करी हुई है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ नंदी महाराज का जो फेस है ना अपलिफ्ट है, मतलब थोड़ा ऊंचा है। रीज़न है क्योंकि यहाँ पे शिवलिंग नहीं है और शिवजी नहीं है, जब शिवजी होते हैं और तो इनका जो हेड होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, ऐसा इन्होंने बताया है, यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है। ये अब हम आ गए हैं जटायु पार्क में, और यहाँ की खूबसूरती यही है कि ऊपर से पूरा व्यू दिखता है, और ये ह्यूज जटायु बनाए गए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, और ग्रीनरी भी बहुत अच्छी मेंटेन करी है, सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक जाने के लिए, बहुत सुंदर। बस अब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है, ये दोनों जा रहे हैं ऊपर और मैं पीछे पीछे। ये देखो स्केच बना रहे हैं इस बॉय का, और बहुत सुंदर स्केच बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। और इधर काफी स्केचेस बना के रखे हुए उन्होंने। आसपास बहुत सारी ग्रीनरी है, पूरा ग्रीन है आसपास। ये ऊपर जटायु
और वो सामने नंदी और ये सामने विदर्भ टेम्पल, पास पास है सब। ये हम एक और टेंपल में आ गए जो है श्री बिग बुल टेंपल। ये बैंगलोर में है तो इनको डोडा गणपति टेंपल भी बोला जाता है। यहाँ बड़े से गणपति की भी मूर्त है और ये नंदी भगवान है तो ये भी बहुत बड़े हैं। और हमारी कोशिश ये रही है कि लास्ट 5 ईयर से हम लोग रेगुलर आ रहे हैं इस टेंपल पे, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको इन नंदी जी के दर्शन कराती हूँ। ये साउथ इंडिया में 4 बड़े नंदी हैं जिसमें से ये सेकंड नंबर के नंदी की स्टैचू है जो 12 फिट हाइट और 20 फिट लेंथ में है। तो ये बहुत बड़े गणपति, बहुत बड़े नंदी जी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इनके भी दर्शन अच्छे से हो गए होंगे। तो आपने इंडिया के सबसे बड़े नंदी की भी दर्शन कर लिए और सेकंड नंबर पे जो नंदी हैं उनके भी दर्शन कर लिए। आपको हमारी ये सीरीज़ 2 एपिसोड की कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब अपने परिवार के साथ बहुत 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 खुश रहें और आप सभी की लंबी आयु हो।